नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और इस वक्त अपना कार्यक्रम हम एक बड़ी खबर से शुरू कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज जो एक फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट है, उसके मोहम्मद जुबैर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया है। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस ने। अब ये देखना ये होगा कि किस बात पर या कौन से ट्वीट पर यह आरोप लगा है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कुछ जानकारी मिल सकती है कि ये किस सिलसिले में या कब उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया था जिससे धार्मिक भावनाएं भड़क उठी? देखिए, ऑर्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और सेक्शन 295A और सेक्शन 153 के तहत अरेस्ट किया है। उन पर आरोप ये कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। ये जो मामला है, ये मोहम्मद जुबैर के कुछ ट्वीट को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने दो समुदायों के बीच जो नफरत है वो फैलाने की कोशिश की है और उसी के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि एग्जैक्टली वो ट्वीट क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अभी दिल्ली पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि वो ट्वीट क्या थे, लेकिन ये कहा गया है कि कुछ हिंदू संतों का अपमान किया गया था, इस तरह की बातें कही जा रही थी। और एक FIR उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी दर्ज की उनके खिलाफ, जो पहले दर्ज हुई थी। लेकिन ये जो मामला है, नया मामला है, ये उनके किस ट्वीट को लेकर दर्ज किया गया था ये भी साफ नहीं है। लेकिन एलिगेशन यही है कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं और उसके बेस पर जो दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट है उसने ये केस दर्ज किया था और सेक्शन 295A और सेक्शन 153 के तहत ये केस दर्ज हुआ है। और मोहम्मद जुबैर को फिलहाल पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया गया है और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।